अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और उसके पास घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 12:30 से, और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ जो आपको दिख रहा है। अभी लगी हूँ इस पे और अभी सुबह का काम हो गया। आज छुट्टी है बच्चों की, तो छुट्टी के दिन हमने सोचा थोड़ा टाइम मिल रखा है, दोपहर में 1 घंटे का और तो नहीं मिलता। वैसे बच्चों के लिए कुछ बनाओ, कुछ करो, इनके लिए खाना बनाना और एक्स्ट्रा भी इनके साथ गेम वेम कुछ खेलना वो हो जाता है। तो आज मैंने सोचा चलो मेरे वो वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, और आज एक स्पेशल काम करूंगी, इन दोनों बेटियों की कटिंग करूंगी। गुड़िया की करूंगी, गुड़िया किधर है ये पता नहीं, और रावी की करूंगी। हाय बोलो बेटा। हाँ बाहर मुंह से बाहर निकाल के बोलो हाय। इसकी कटिंग करेंगे, इसको कह दिए मेरे को कटिंग करनी है, करवानी है, सॉरी करनी नहीं करवानी है, इसको कटिंग करवानी है। तो इसका कटिंग करेंगे, बड़ी वाली बेटी का कटिंग करेंगे, ये दो काम करने आज। और बाहर भी जाना है, छोटी वाली सिस्टर और मैं बाहर जाऊंगी, तो थोड़ा सा कुछ बाहर जाके कुछ सामान देख के आना है, तो आपको उस शॉप पे जाऊंगी तो जरूर दिखाऊंगी। अभी कुछ करते हैं, मैं एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। पार्लर, शिवांगी ब्यूटी पार्लर, स्वागत करती हूँ आपका मेरे पार्लर में। और मेरा ज्यादा टाइम मेरे पार्लर में ही जाता है, और मैं ज्यादातर मतलब मैं इसी में मिलती हूँ। बच्चे स्कूल से आते और आते तो कहते मामा आप नीचे मिलते ही नहीं, नहीं बेटा मैं ऊपर ही मिलती हूँ, क्योंकि मेरा यार अपना जॉब है, यही जॉब है, और इसी में ज्यादा टाइम मतलब निकालना होता है, क्योंकि अपनी वो क्या कहते हैं कि कमाई इधर से आती है, अपना घर जो होता है वो यहीं से चलता है। तो मेरा इस पार्लर में बहुत मन लगता है, और एक बात ये कि मेरी हॉबी है ये, और बचपन से, आज से नहीं बचपन से ही, मेरी मैं छोटी थी उसी टाइम मेरे को इतना क्रेज था कि मैं कटिंग करूँ, ये करूँ, वो करूँ, तो मेरे का ये काम मेरे को हमेशा अच्छा लगता है। मेरी शादी के बाद मेरे को अभी हो गए इस पार्लर को 14 साल, हाँ इतने ज़्यादा हो गए, लेकिन इतने मतलब हो गए। और मेरा मतलब कि ये 2-3 दिन ही जैसे मेरे को कोई काम हो गया, मैं गांव गई, किसी को छोड़ दिया, मैं नहीं कर पाई, तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर मेरा होता है जल्दी जाऊं मेरे पार्लर में, देखूं उसमें क्या हो रहा है, लड़कियां क्या कर रही हैं क्या नहीं। वैसे मैं ज्यादा लड़कियां नहीं रखती हूँ, मेरे को जरूरत के अनुसार रखती हूँ ज्यादा। मेरे पार्लर में काम मैं खुद ही करती हूँ, और मेरे को खुद को ही करना अच्छा लगता है। तो बस यही है मेरा पार्लर। और तो आपको मैं बताती रहूंगी जैसे मेरे को जितना नॉलेज है मेरे अनुसार। देखो किसी का मैं कंपेयर नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जितना मेरे को नॉलेज है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी पार्लर के बारे में, और स्किन का ट्रीटमेंट वगैरह, हेयर कटिंग वगैरह, जो चीज पूछना आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, और उससे ताकि मेरे को पता लगे कि भाई आप लोग क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, तो उससे कि आपको मैं जरूर, मेरे से जितना बल पड़ेगा उतना मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो ये है मेरी दुनिया, बस मैं इसी में लगी रहती हूँ, ज्यादातर जो टाइम है मेरा वो इसी में जाता है। और मैं पार्लर की छुट्टी का टाइम रखती हूँ मेरा शनिवार का, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि संडे को सब लेडीजें फ्री होती हैं घर में, उनके हस्बैंड भी घर में होते हैं, बच्चों की भी छुट्टी होती है, तो वे और लोग भी यही चाहते हैं कि भी छुट्टी के दिन आराम से अपन फ्री होकर पार्लर में काम करवाए। तो क्या है कि मेरा संडे का पार्लर बंद नहीं, मेरा रहता है सैटरडे का, क्योंकि सैटरडे को हमारे इधर कम आते हैं, इधर क्या है कि कई लोग ज्यादा मानते हैं शनिवार को, तो शनिवार को नहीं करवाते हो, तो
तो इसलिए मेरा शनिवार का जो है वो मेरा पार्लर बंद रहता है। उस दिन क्या है कि मैं थोड़ा मेरा घर का काम भी करना होता है यार, अपनी पर्सनल जिंदगी भी होती है। चलो तो चलो अभी अपन कर लेते हैं कुछ काम, करना छोटा मोटा है तो अभी मेरे क्या है ज्यादातर मैं इसमें क्या है कि जैसे कस्टमर आते हैं तो मैं सूट नहीं कर पाती हूँ। क्या होता है कि किसी को अच्छा नहीं लगता है कि मेरे के सामने आना, तो मेरे से हो सकेगा उतना सूट जरूर करूंगी, और कईयों को नहीं अच्छा लगता, जिसको अच्छा लगता है और जैसे होगा वैसे मैं जरूर करूंगी। और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत करते हैं। संडे है, दोनों बेटियों के कटिंग करके फिर पार्लर में लगी और अब जाऊंगी। अभी टाइम हो गया शायद 7 o'clock, यहाँ घड़ी नहीं है, मेरे को इतना एग्जैक्टली पता नहीं है कि टाइम क्या हो गया, शायद मेरे हिसाब से 7 का टाइम हो गया। तो अभी मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि कस्टमर ऐसे थे जो नहीं शो करना चाहते यार कि हम पार्लर में जाते हैं। तो आज मैं थक गई हूँ भयंकर, अब चाय पीऊंगी जाके, चाय पी के फिर थोड़ी देर आराम करूंगी और कल करूंगी ब्लॉग स्टार। अभी मैं ब्लॉग एंड करती हूँ यहीं पे, फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।